हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप स्मार्ट पे के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज क्यों नहीं करवा सकते। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको पांच इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, इसमें मैं कंपनी की तरफ से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बस ये वीडियो केवल एक उद्देश्य से बना रहा हूं कि आपको सही जानकारी मिले और आगे चल के आप किसी चीट फंड कंपनी स्मार्ट पे की तरह कंपनी में ना फंसे। तो दोस्तों मैं केवल इसी उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूं कि आपके जानकारी के लिए। तो चलिए दोस्तों, पहली बात आपको बता दूं, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बिजनेस से जुड़ी और स्मार्ट पे से जुड़ी अपडेट तो मिलती ही रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, इनकी आप वेबसाइट पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको, देखिए दोस्तों जो बात है आपको इस वीडियो में क्लियर बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको 599 रुपये में 5 महीने के रिचार्ज के का ये चीज़ कहीं पे भी नहीं लिखने देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कंपनी की वेबसाइट पर ये चीज़ नहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा कि 599 रुपये में आपको 5 महीने का रिचार्ज मिलेगा, और ये कहीं से भी जियो, वोडाफोन, आइडिया की तरफ से कोई भी 599 रुपये में 5 महीने के लिए रिचार्ज अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों कंपनी के तरफ से 5 महीने के लिए रिचार्ज देने की बात कही गई थी, लेकिन दोस्तों ये वेबसाइट पे नहीं, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, न्यूज़ में चल रहा था, कंपनी के जो न्यूज़ ऑप्शन है उसमें चल रहा होगा, तो दोस्तों ये अलग बात है, लेकिन दोस्तों कंपनी की वेबसाइट पे नहीं देखने को मिलेगा। और अबाउट अस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दूँ, इसकी वजह से आप कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करा सकते, ये आपकी पहली बात हुई। और आप यूट्यूब पर जाएंगे, इनके पहले आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे यूट्यूब या फेसबुक देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि कंपनी पूरी तरीके से इसकी वेबसाइट और वर्ल्ड वाइड पे भी नहीं थी और .com भी नहीं था। तो दोस्तों ये कंपनी की वेबसाइट, मैंने थोड़ा सा सर्च किया और खोजा इसके बारे में, तो दोस्तों यही सब पता नॉलेज मिला। दोस्तों इसकी वजह से आप कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करा सकते। अब दूसरी बात दोस्तों, इसके पास डॉक्यूमेंट्स, जी हाँ दोस्तों, कंपनी के पास जो डॉक्यूमेंट्स है ये MCM रजिस्टर्ड कंपनी तो नहीं है, और आपको बता दूँ ये सबको पता था, जो कंपनी के लीडर्स है सबको ये जानकारी था कि ये कंपनी का डॉक्यूमेंट्स फर्जी है या सर्टिफिकेट फर्जी है। तो दोस्तों और आपको बता दूँ, कंपनी ये बात इनकार कर रही है कि ये मेरा जो डॉक्यूमेंट्स ये मेरा नहीं है। तो दोस्तों आप इस डॉक्यूमेंट्स कहीं पर दिखाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आप कोई भी इसको क्रिएट कर सकता है, तो कंपनी ये बोल देगी कि ये डॉक्यूमेंट्स हमने नहीं तैयार किया है, और सिंपल सी बात है ये कंपनी की का जो है कि स्मार्ट पे का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब तीसरी बात आपको बता दूं, इसका जो कि पता, जी हाँ दोस्तों, कंपनी का डिटेल्स कहीं पे भी नहीं पता चला है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का जो MD है इसका भी नाम नहीं पता चला है और कंपनी का डिटेल्स भी नहीं पता चला है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कंपनी के जानकारी भी नहीं लगा सकते, और इसका जो अकाउंट नंबर है वो भी फर्जी है, अकाउंट नंबर का जो SGFC का अकाउंट नंबर है वो भी, इससे भी डिटेल्स नहीं निकलवा, ये वाराणसी का पता चल रहा है, और बताया जा रहा है कि कंपनी का जो अकाउंट नंबर है वो कर्नाटका था। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें भी फ्रॉड चीट किया गया है अकाउंट के साथ भी। तो दोस्तों अकाउंट कई लोगों के नाम पे है, तो दोस्तों इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अब आती है, कंपनी भागी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चौथी बात यह है कि कंपनी भागी भी नहीं है। तो आप इसके कौन से प्रूफ पे आप जाएंगे कि कंपनी जो रिचार्ज बंद की है, देखिए दोस्तों कंपनी अब बोल रही है कि शॉपिंग पोर्टल लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि आप किसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं कंपनी के ऊपर। देखिए दोस्तों, कंपनी बोल रही है कि मैं कंपनी की जो वेबसाइट है वो भी बंद नहीं हुई, कंपनी भागी भी नहीं है, और बोल भी रही है कि 17 तारीख को आपको शॉपिंग पोर्टल मिल जाएगा, वहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं जो बाकी का पैसा बचा है। तो दोस्तों इस पर आप सरकार कानून भी इस पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अब देखिए दोस्तों पाँचवीं बात, सरकार सख्त मना करती है कि कहीं ऐसे जगह पर आप पैसा निवेश ना कीजिए जहाँ पर पैसा दोगुना या तिगुना करने की बात कही जाती है। तो दोस्तों ये MLM बिजनेस का प्लान जो है कि ये पूरा फर्जी है, और दोस्तों आपको बता दूं कंपनी कहीं पे भी रजिस्टर भी नहीं है। तो दोस्तों आपको सरकार से भी आप कोई भी की सहायता नहीं ले सकते। अब दोस्तों लास्ट में एक आपको बात बता दूं, आप एक ही कार्रवाई कर सकते हैं कि आप जो कंपनी का MD है उसको आप खोज के उसके ऊपर जो भी अपने तरीके से आप कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल की हर एक अपडेट मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।